हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपीएससी यानी कि आईएएस का 2017 का जो 18 का जो प्री का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, उसके सॉल्यूशन के बारे में, उसके आंसर। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं। ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो फिर अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, ये फोर्थ क्वेश्चन का, निम्नलिखित राज्यों में से किसे एक में पाखुई वन्यजीवी अभयारण्य है? तो फ्रेंड्स, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, सुपारी, जौ, कॉफी, ये फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन है, रागी, मूंगफली, तिल, हल्दी। तो फ्रेंड्स, इसमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब जो MSP किन किस पे घोषित की गई है? तो फ्रेंड, किस पे, किस पे? जौ, रागी, मूंगफली और तिल पे। फ्रेंड, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ये फ्रेंड्स, ये इनका सही क्रम आपको जमाना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, पहले क्या हुआ था ये हम आपको बता दें। देखिए, पहले एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। दूसरे पे फिर फ्रेंड, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई साम्यवादी सरकार। और लास्ट में गोवा फ्रेंड सबसे लगभग 60-62 में भारत का अंग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, ये फ्रेंड पहला ही सही है, PSLV में से उपग्रह, PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचारी उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अविकल्पित किया जाता है। फ्रेंड, इसी प्रकार से जो सातवां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, निम्नलिखित मदों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, ये इसमें हमको जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उससे कौन कौन सी सब वस्तुओं को मतलब जीरो टैक्स पर हैं? तो फ्रेंड देखिए, छिलका उतरे हुए अनाज, दूसरा मुर्गी के अंडे पकाए हुए, और चौथा है ये फ्रेंड विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। तो फ्रेंड, ये क्या है? ये वो वस्तुएं हैं जिन पे GST से बाहर छूट है। ठीक है, GST के अंतर्गत। फिर फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स, ये इनमें से कौन सा सही है? तो संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र, इस सिक्सवा क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेश में लगातार वृद्धि हुई। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। तो फ्रेंड्स, ये सही बात है, किया गया है। ये फ्रेंड, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, अब हम इधर आते हैं, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नवाचार का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये फ्रेंड्स, इसमें हमको क्या करना है? कौन सा आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार में से है? तो फ्रेंड देखिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जापान। फिर
फ्रेंड्स 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का के डिजिटल इंडिया योजना के हैं? तो फ्रेंड देखिए, हमारे अनेक गांव को इंटरनेट से जोड़ना, बहुत हमारे बहुत से विद्यालयों सार्वजनिक स्थलों, ये फ्रेंड्स ये सही है, ठीक है, ये पहले दूसरे ये सही नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ये निम्नलिखित विचार, इन पर विचार करना है, कौन से पादप रोग फैलाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फैलाते हैं, पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा और बारहमासी हवा, ठीक है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड देखिए, ये सही नहीं है, धन विधेयक की आकस्मिक निधि में से धन के नियोजन से संबंधित, देखिए किसी बिल को धन विधेयक का तब माना जाएगा जब इसमें किसी प्रकार के आधारण उन्मूलन, माफी, परिवर्तन, विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। धन विधेयक में भारत की संचय निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि की अवरक्षा से संबंधित होते हैं। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति के विनियमन से संबंधित हैं। भारत में जैविक कृषि के संबंध में फ्रेंड्स, ये आपको सही कौन से हैं? तो देखिए, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला सही नहीं है, MPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत इनके फूड प्रोसेसिंग निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला, तो फ्रेंड देखिए थर्ड तो सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अब और कुछ क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और भी मैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए कौन से सही हैं, देखिए त्यागराज में अनेक रण नए रागों का सृजन किया गया है, और अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की प्रस्तुति के लिए के भक्ति गीत हैं। ये फ्रेंड 26वें क्वेश्चन का हमने अभी सॉल्यूशन नहीं बताया है आपको। देखिए 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख के लक्षण के रूप में माना जाएगा? तो फ्रेंड देखिए, शक्तियों का परिसीमन, सही बात है, शक्तियाँ मतलब परिसीमन होना चाहिए। नेक्स्ट है, विधि की समझ समता, ये भी सही है फ्रेंड्स, विधि के मतलब कानून के समझ सभी समान होने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब कुछ ये, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये बात सही है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से, ये फ्रेंड्स ये सही नहीं है, पहला सही है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमने आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, इम्पोर्टेंट क्या, पूरे जो लगभग 1 से लेकर 25 तक जो भी ये सेट सी बताया है हमने फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हम आपको बता दें, IAS प्री यानी कि UPSC प्री 2018 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है, यानी कि आंसर है, क्वेश्चन पेपर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।